अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। आज हम सबक नंबर 9 मराठों की जंग आज़ादी से संभाजी महाराज का मुल्क की कामकाज के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, हम इससे पहले हिस्से में पढ़ चुके हैं कि संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के दौर ही से मुल्की कामकाज और लश्करी मुहिमों में हिस्सा ले चुके थे। छत्रपति संभाजी महाराज उम्र के 14वें बरस से ही मुल्की कामकाज में अमल दखल रखते थे। छत्रपति संभाजी महाराज ने इसी तालीम की बुनियाद पर जंगों की गहमा गहमी में मुल्की कामकाज की तरफ से कभी लापरवाही नहीं बरती। छत्रपति संभाजी महाराज ने छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने से ही जारी निज़ाम इंसाफ और निज़ाम महसूल को कायम रखा। संभाजी महाराज ने स्वराज के ख़िलाफ़ बगावत करने वालों के साथ साथ रियाया को तकलीफ़ देने वाले वतनदारों को सख्त सज़ाएँ दी। महारानी यशोबाई को हुकूमती कामकाज संभालने का इख्तियार दिया, जो कि संभाजी महाराज की बीवी थी, और यशोबाई के नाम की शाही मोहर तैयार करवा दी। रियाया की फलाह के मुतालिक शिवाजी महाराज की हिकमत अमलियों को इन्होंने बरकरार रखा। महाराज संस्कृत के साथ साथ कई जबानें जानते थे। इन्होंने कई किताबें लिखी। सियासत पर मबनी भारत की किताबों का मुताला कर इन्होंने अपनी किताब बौद्ध भूषण इन किताबों का जोड़ बयान किया है। अजीज तलबा, संभाजी महाराज बौद्ध भूषण नामी किताब के दूसरे बाब में सियासत बहस के साथ साथ ही राजा की अलामतें, सरबराह, वली अहद की तालीम और कामकाज, राजा के मुशीर, किले और किलों के साजो सामान, फौज, राजा के फराइज और जासूसी जैसे निज़ाम जैसे मौजूदात पर मालूमात दी है।